नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका। स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में हम आपके समक्ष उपस्थित हैं, आप बहुत ही ज्ञानवर्धक रोचक जिज्ञासु विषय के साथ। जिज्ञासु इसलिए क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं गुरु के राशि परिवर्तन की, यानी गुरु के गोचर की। वर्ष 2023 में देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वराशि मीन राशि से निकलकर जैसे ही मेष राशि में जाएंगे, उनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है सभी राशियों के ऊपर, इसकी हम बात कर रहे हैं। चलिए, गुरुदेव बृहस्पति को देवताओं का गुरु भी कहा गया है, यानी देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और वैदिक ज्योतिष में सबसे शुद्ध दृष्टि वाला ग्रह देवगुरु बृहस्पति को माना जाता है, जो इस वर्ष 22 अप्रैल 2023 को प्रातःकाल 3:33 पर अपनी स्वराशि मीन राशि से निकलकर अपनी मित्र राशि मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। जब देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जैसे ही वो देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में पहुंचेंगे, वहां पर पहले से ही राहु देव विराजमान होंगे। उस समय पर ये अपनी अस्त अवस्था में होंगे, क्योंकि 28 मार्च से देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में ही अस्त अवस्था में आ जाएंगे और फिर ये 27 अप्रैल को प्रातःकाल 2:07 पर अस्त अवस्था से पुनः बाहर निकलेंगे। जब देव गुरु बृहस्पति का गोचर मेष राशि में होगा, तो वहां पर जैसा मैंने पहले बोला कि राहु देव विराजमान होंगे और राहु के साथ बृहस्पति का संयोग बनेगा, यानी ये युति बनेगी, वो गुरु चांडाल योग बनेगा और उसका प्रभाव भी ये युति दिखाएगी। बृहस्पति यानी देवगुरु बृहस्पति 4 सितंबर को शाम को 4:58 पर बकरी अवस्था में आएंगे और वर्ष के अंतिम दिन यानी कि 31 मार्च 2023 को प्रातः 7:08 पर अपनी बकरी अवस्था से पुनः बाहर आएंगे। यानी वैदिक ज्योतिष के अनुसार देवगुरु बृहस्पति का ये जो राशि परिवर्तन होता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव देने वाला माना गया है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियाँ हैं वो अमृत के समान हैं, वो जिन भाव पर भी पड़ती हैं, यानी देवगुरु बृहस्पति जिन भाव को भी देखते हैं उनकी वृद्धि करते हैं, और वैसे भी देवगुरु बृहस्पति को एक वृद्धि कारक ग्रह माना जाता है। इस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति का मेष राशि में जाना या मेष राशि का जो गोचर होगा सभी राशियों में जन्मे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रभाव दिखाएगा। आइए जानते हैं कि आपकी अपनी राशि पर ये प्रभाव क्या देने वाला है। चलिए, बात कर चुके हैं हम अब तक मेष, वृष और मिथुन राशि की, अब हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए यानी देवगुरु बृहस्पति आपके नवम और छठे भाव के स्वामी माने जाते हैं। कर्क राशि से दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपके कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन करवा सकता है। बहुत लंबे समय से आप जिस परिवर्तन की तलाश कर रहे थे वो आपको इस दौरान निश्चित रूप से प्राप्त हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा आपको धैर्य भी इस समय रखना होगा। एकदम से बदलाव करने से बचें और अगस्त 2023 के बाद अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव आप आसानी से कर सकते हैं। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो उस व्यापार में आपको बड़ा बदलाव या व्यापार बदलने में आपको निश्चित रूप से इस वर्ष सफलता प्राप्त होगी। यदि आप नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं तो इस दौरान आपके पास कोई अच्छा बड़ा मौका आपके हाथ लग सकता है, फिर उसे आप आजमा कर अपनी नौकरी को भी बदल सकते हैं और इस अवधि में अच्छी तरक्की भी प्राप्त कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में इस समय सुख और शांति रहेगी। हालांकि गोचर की जो शुरुआत होगी, यानी गोचर की शुरुआत में अप्रैल से लेकर अगस्त तक का जो समय होगा, पिता के स्वास्थ्य से संबंधित या पिता के स्वास्थ्य के लिए कुछ न कुछ परेशानियां या समस्याएं लेकर आ सकता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये सब ठीक हो जाएगा और आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी इस समय मजबूत होगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके पास धन कहाँ कहाँ से किस किस माध्यम से आ रहा है। ये आपके लिए बहुत ही समृद्धशाली समय होगा। परिवार में सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी होगी और आप विरोधियों को भी, आपके जो विरोधी होंगे उनको भी आप इस समय मुश्किल में डालते हुए नजर आएंगे। अगर कोई कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ मामला है तो आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में भी इस समय निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी और आप अपने क्षेत्र में अग्रणी बने रहेंगे। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा ये गुरु का राशि परिवर्तन या गुरु का गोचर। और ज़्यादा शुभ और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए आप चाहें तो बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष को जल चढ़ाएं और पीपल के वृक्ष को बिना छुए जल अर्पित करें।
ऐसा करने से और ज़्यादा गुरु की शुभता आपको प्राप्त हो सकती है। दोस्तों अभी हमने बात की है कर्क राशि की, आगे हम बात करेंगे सिंह राशि से लेके मीन राशि तक के सभी जातकों की अलग अलग वीडियो में। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, साइड में लगे हुए बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप ऐसी ज्ञानवर्धक रोचक और जिज्ञासु जानकारियों से कहीं वंचित ना रह जाएं, समय रहते जानकारियां आपको प्राप्त हो सकें। एक बात और है कि प्रत्येक दिन हम प्रातः 7:30 बजे लाइव आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। उस दिन का राशिफल, उस दिन का पंचांग, उस दिन का राहुकाल, उस दिन का कोई भी व्रत पर्व त्यौहार है, विशेष कोई तिथि विशेष है, उसके बारे में भी जानकारी देते हैं। साथ ही आप लोगों के जो प्रश्न होते हैं ज्योतिष से संबंधित, किसी तरह का कोई समाधान आप चाहते हैं और आप हमें प्रश्न लिखते हैं, उसका भी उत्तर हम देने का प्रयास करते हैं। आपकी भी अगर कोई समस्या है या आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो अपने डेट ऑफ बर्थ हमारे चैनल के नंबर 9990707495 पर सिर्फ व्हाट्सअप करें। आप अपनी जन्म डिटेल भेजें, अपना नाम भेजें, अपना प्रश्न लिखकर भेजें, हम अगले दिन या उससे अगले दिन आपके प्रश्न को लेंगे और आपका जवाब वहीं चैनल पर देंगे। फ़ोन करने से थोड़ा सा बचें। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में किसी तरह की कोई कमी होगी, AMPM नहीं लिखा, समय नहीं लिखा, कुछ और कमी रहती है, तो हम आपको व्हाट्सअप पर ही जवाब देंगे। आप वहीं पर उस डेट ऑफ बर्थ या उस समय को या जो कमी है उसको करेक्ट कर दें और फिर हम आपकी जो जानकारी है उसका समाधान देने का प्रयास करेंगे। चलिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जानकारी अच्छी लगे तो दूसरों के साथ शेयर भी करें, चैनल देखते रहें। आज के लिए इतना ही आज्ञा दें, नमस्कार।